बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25-25 हजार के इनामिया 5 आरोपियों में से 3 को बारंगबंकी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया है। पूछताछ में बताया है कि ये सभी एम्बुलेंस में चालक और मुख्तार की निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करते थे। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। अभी इस मामले में 2 इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। इसी बीच एम्बुलेंस मामले में बांदा जेल से बाराबंकी न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपने बैरक में टेलीविजन लगाने की मांग फिर से दोहराई है। बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद ने बताया कि बाराबंकी बस स्टॉप के पास से गाजीपुर जिले की मोहम्मदपुर थाना की मोहल्ला कसाई, जफरपुर, यूसुफपुर के फिरोज कुरैशी, मंगल बाजार के शाहिद और मोहल्ला 57 दर्जी में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से STF ने भी पूछताछ की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग एम्बुलेंस में मुख्तार के साथ चलते थे। यही लोग ही एम्बुलेंस को पंजाब लेकर गए थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर तो कभी अवैध शस्त्र लेकर मुख्तार के साथ निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर रहते थे। SP ने बताया कि इस एम्बुलेंस मामले में कोतवाली में दर्ज मुकदमे में अब तक मऊ के संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय, उसके सहयोगी डॉक्टर शेषनाथ राय, आनंद यादव, राजनाथ यादव, मोहम्मद सैयद मुजाहिद, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, सलीम को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्तार बांदा जेल में बंद है। वहीं 25,000 की इनामी गाजीपुर के ही मोहम्मदपुर थाना के सदर रोड मोहम्मदाबाद का जफर उर्फ चंदा और महरूमपुर का फिरोज खां उर्फ चुन्नू अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।